हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम कॉलर वाला ब्लाउज बनाना सीखेंगे। तो मैंने यहाँ पर कोट कॉलर बनाई है। तो कोट कॉलर बनाने का बहुत ही आसान तरीका और फिनिशिंग से तैयार करने का तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो स्पेशली बिगिनर्स के लिए ये तरीका बहुत ही ईजी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो कॉलर ब्लाउज बनाने के लिए मैंने टोटल 1 मीटर लाइनिंग यानी कि अस्तर और 1 मीटर मेन कपड़ा लिया है। तो 34, 38 और 40 बड़ी साइज का ब्लाउज में आप 1 मीटर मेन कपड़ा और 1 मीटर अस्तर का कपड़ा लीजिए। लेकिन अगर छोटी साइज का ब्लाउज हो यानी कि 30, 32, उसमें आपका 1 मीटर कम कपड़े में ही ब्लाउज तैयार हो जाता है। तो कॉलर ब्लाउज बनाने के लिए आप अपने ब्लाउज का पैटर्न प्रिंसेस कट 1x या फिर 4x किसी भी पैटर्न का ब्लाउज तैयार कर सकते हैं। अगर आप कोट कॉलर पहली बार बना रहे हैं तो आप ब्लाउज का पैटर्न 1x में रखें, क्योंकि 1x में ब्लाउज बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है और उसमें फिनिशिंग भी अच्छा आता है और बहुत ही इजी रहता है ब्लाउज को बनाने में। तो मैंने यहाँ पर 1x में ब्लाउज को कटिंग कर लिया है अस्तर के ऊपर। ये देखिए, तो ऊपर की पार्ट हमारा फ्रंट पार्ट है और नीचे का पार्ट बैक पार्ट है। इस तरह से आप भी लिख लीजिए चौक से। इसी के साथ स्लीव्स का भी कटिंग कर लेना है। इसके बाद जो मेन कपड़ा है उसके ऊपर कटिंग कर लेना है। देखिए, मैंने यहाँ पर कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पर जो फ्रंट वाला पार्ट है उसे लेना है और यहाँ पर हम नेक की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट सामने से ओपन रहेगा क्योंकि फ्रंट पे हम हुक और आई की पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो अस्तर वाला कपड़ा है उस पर हमें चौड़ाई लेना है, यानी कि गले का चौड़ाई 3 इंच रखना है। ये देखिए, और लंबाई लेना है 4 इंच। तो 3 इंच चौड़ाई और 4 इंच लंबा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि कॉलर वाला ब्लाउज बनाने के लिए शोल्डर लेना है 7 इंच और आर्म होल भी 7 इंच लेना है। तो मैंने यहाँ पर बॉक्स बना लिया है इस तरह से। यहाँ पर स्केल से वी वाला शेप ड्रॉ करना है, लेकिन इसके बाद इसी लाइन को थोड़ा सा गोलाई में वी वाला शेप फिर से ड्रॉ करना है इस तरह से। तो गोलाई में जो है इसका शेप बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से इसके ऊपर कटिंग भी कर लेना है। जो गोलाई वाला शेप है उसका ही कटिंग करना है इस तरह से। तो कटिंग करने के बाद यहाँ पर जो मेन कपड़ा है उसे हमें उल्टा करके दोनों पार्ट को रखना है इस तरह से। देन जो अस्तर वाला पार्ट है उसे भी रखना है मेन कपड़े के ऊपर, इस तरह से मिलाते हुए रखना है। ये देखिए, तो यहाँ पर हम चारों साइड से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले ही जो नेक है उसे तैयार नहीं करेंगे, वो हम बाद में करेंगे। तो इसके साथ में ही जो बैक पार्ट है उसे भी लेना है। तो इस पार्ट पे गले का चौड़ाई 3 इंच और लंबाई लेना है 1 इंच, ज़्यादा नहीं लेना है। तो यहाँ पर भी बॉक्स बना लेना है और इसके अंदर गोल वाला शेप ड्रॉ कर लेना है। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो मेन कपड़े को साथ में ही कटिंग करना है इस तरह से। तो इसके बाद जो मेन कपड़ा है उसे उल्टा रखना है और इसके ऊपर अस्तर वाला पार्ट को इस तरह से रखना है। ये देखिए, तो बैक पार्ट के गले को भी हम अभी तैयार नहीं करेंगे। तो इस तरह से रखते हुए यहाँ पर मैंने साइड से सिलाई लगा लिया है दोनों पार्ट में ही। देखिए, ये हमारा बैक पार्ट और ये फ्रंट पार्ट। तो दोनों पार्ट में ही सिर्फ अस्तर के साथ मेन कपड़े को मैंने जॉइंट किया है, गले को तैयार नहीं किया है। तो इसके बाद पतला वाला पेपर पेस्टिंग लेना है। देखिए, इस तरह से इसका चौड़ाई 4.5 इंच और लंबाई जितना आपका ब्लाउज का लंबाई है उतना ही लेना है। तो पेस्टिंग नीचे की साइड रहेगी और ऊपर की तरफ ब्लाउज का कपड़ा रहेगा इस तरह से। तो यहाँ पर हम गले के निशान जो है पेन से पेस्टिंग के ऊपर इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से ड्रॉ कर लेना है बहुत ही अच्छे से। इसके बाद इस निशान को थोड़ा सा डीप कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए, पेस्टिंग थोड़ा सा ज़्यादा है निशान के बाद। तो यहाँ पर क्या करना है, नीचे से स्केल लेना है और इस तरह से ऊपर की जो मार्किंग है वहाँ से इस तरह से मिला लेना है। ये देखिए, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहेगा और उसे हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। देन सामने की साइड पर जो गले की मार्किंग है उस पर से भी कटिंग कर लेना है इस तरह से। तो कटिंग करने के बाद देखिए, जो बचा हुआ मेन फैब्रिक है उसके ऊपर पेस्टिंग को रख के आयरन से प्रेस लगा लिया है और साइड पर सिर्फ 1/2 इंच कपड़ा मैंने रखा है। तो इस साइड पर जो है कपड़े को पेस्टिंग के ऊपर फोल्ड करना है इस तरह से और सिलाई लगाना है। तो देखिए, जो नेक हमने बनाया है उसके दूसरे तरफ फोल्ड करना है कपड़े को। तो इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, तो अब यहाँ पर फ्रंट के दो पार्ट लेना है इस तरह से। इसे हमने सीधा रखा है और इसके ऊपर पेस्टिंग वाला पार्ट को इस तरह से उल्टा करके रखेंगे। ये देखिए, तो सामने की तरफ जो 1/2 इंच का मार्जिन है वहाँ पर मिलाते हुए दोनों पार्ट को एक साथ में रखकर हम पिन लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए, तो पिन लगाने से इस पर सिलाई लगाने में बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी। तो इस तरह से पिन लगाने के बाद इस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग के साथ पेस्टिंग के ऊपर सिलाई नहीं जाएगी, बिल्कुल पेस्टिंग के पास से ये सिलाई जाएगी। बहुत ही धीरे धीरे से ये सिलाई हमें लगाना है। तो यहाँ पर पेस्टिंग लगाने से इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छा आ जाती है। देखिए, इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे।
देन दोनों कॉर्नर पे कट लगाना है इस तरह से। इसके बाद जो ऊपर का नेक है वहाँ पर हमें छोटे छोटे से कट लगाना है। अगर एक्स्ट्रा कपड़ा होता है तो उसे भी आप कट कर लीजिए। इस तरह से ऊपर के नेक पर दोनों साइड पर कट लगाना है सिलाई वाली लाइन को छोड़कर। तो कट लगाने के बाद इस पार्ट को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, तो जो कॉर्नर आएगी उसमें आप किसी भी नोक वाली चीज़ से यहाँ पर कॉर्नर को निकाल लें और इसके ऊपर आयरन से प्रेस भी लगा लें, जिसमें दोनों पार्ट अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो यहाँ के कपड़े को अगर हम सामने की तरफ ऐसे फोल्ड कर लेते हैं तो कॉलर के नीचे का जो पैटर्न था वो इस तरह से ही तैयार हो जाता है। देखिए यहाँ पर, तो ये मैं आपको बाद में बताऊँगी अच्छे से कि कैसे करना है। तो पहले जो है जो बैक पार्ट है वो इसके ऊपर इस तरह से रखना है सीधी वाली साइड मिलाते हुए, और यहाँ पर शोल्डर जॉइंट कर लेना है पहले। तो शोल्डर जॉइंट मैंने कर लिया है। अब यहाँ पर सामने की पार्ट को इस तरह से पकड़ना है और इसे ऐसे रखना है। अब यहाँ पर 2 इंच इस तरह से निशान लगाना है। 2 इंच पर दोनों साइड पर निशान लगाना है इस तरह से। ये देखिए, फ्रंट पार्ट की साइड पर मैं निशान लगाई है। तो अब इस साइड से इंची टेप को ऐसे रखना है और यहाँ से एक मेजरमेंट निकालना है। तो मेरा आ रहा है 7 इंच, तो जितना भी आएगा उसे डबल कर लेना है। तो 7 इंच का डबल होता है 14 इंच। तो 14 इंच का हमें कॉलर कटिंग करना है। ग्लू वाला पेपर पेस्टिंग लेना है। पेस्टिंग को डबल फोल्ड करके रखना है, अपने साइड पर जॉइंट वाला साइड और दूसरी तरफ ओपन वाला साइड रखना है। एक साइड से 7 इंच पर निशान लगाना है जितना भी आपका मेजरमेंट निकलेगा, और फिर कॉलर का चौड़ाई लेना है 3.5 इंच। आप चाहे तो 4 इंच भी ले सकते हैं। दोनों तरफ निशान लगाई है, अब दोनों निशान को स्केल से मिला लेना है इस तरह से। अब देखिए, जो दूसरी साइड है ओपन वाला साइड, वहाँ पर ऊपर की तरफ 1 इंच पर निशान लगाना है और नीचे से ऊपर की तरफ 1 इंच पर निशान लगाना है। ये देखिए, दोनों निशान लगाई है। अब देखिए, नीचे की जो मार्किंग है वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना है जॉइंट वाला साइड की तरफ। इस तरह से लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया है। ऊपर का जो 1 इंच का मार्किंग है वहाँ से इस तरह से ऊपर की लाइन के साथ मिलाना है। तो अब कॉलर की लंबाई मेरा 14 इंच था, उसका आधा होगी 7 इंच। तो नीचे की लाइन पर 7 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगाएंगे और ऊपर से हम 7 इंच वाला मार्किंग पर इस तरह से तिरछा में लाइन को मिला देंगे। देखिए इस तरह से। तो गलती से ये मेरा कटिंग का रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, तो मैंने यहाँ पर कटिंग कर लिया है। ये देखिए, कटिंग करने के बाद ये इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करेंगे। तो कपड़े की रॉन्ग साइड पर पेस्टिंग को रखना है और आयरन से प्रेस लगा लेना है। तो प्रेस लगाने के बाद साइड से सिर्फ 1/2 इंच कपड़ा रखना है, एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। अब कॉलर की जो नीचे की साइड है, ये हमारे नीचे की साइड है, तो यहाँ पर जो कपड़ा है उसे हम पेस्टिंग के ऊपर ही फोल्ड करेंगे इस तरह से और सिलाई लगाएंगे। उसके बाद एक और कपड़ा लेंगे जिसको बिल्कुल सीधा रखेंगे और उसके ऊपर इस पैटर्न को रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। चलिए मैं आपको सिलाई लगाकर बताती हूँ कि कैसे कॉलर तैयार करना है। तो ये हम नॉर्मली इसी तरीके से बहुत टाइप के कॉलर बनाते हैं। तो इस तरह से पहले हम नीचे फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। देन दूसरा कपड़ा लेंगे, उसे बिल्कुल सीधा रखेंगे और उसके ऊपर पेस्टिंग वाला पार्ट इस तरह से रखेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर जो नीचे की साइड है वहाँ पर सिलाई नहीं लगाना है, सिर्फ साइड से सिलाई जाएगा इस तरह से। तो पेस्टिंग के ऊपर सिलाई नहीं जाएगी, बिल्कुल पेस्टिंग के पास से सिलाई जाएगी। तो देखिए इस तरह से। तो अगर आपने इसी तरह से कोई भी कॉलर बनाए हैं तो आपको पता होगा कि सिर्फ एक साइड खुला हुआ रहता है और वहाँ से ही हम कॉलर को अटैच करते हैं ब्लाउज या फिर कुर्ती के साथ। तो इस तरह से जो है मैंने सिलाई लगा लिया है। ये देखिए, यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे, लेकिन जो नीचे की साइड है, जो एक साइड फोल्ड किया हुआ है, दूसरे साइड पर 1/2 इंच कपड़ा रखना है इस तरह से। ये देखिए, तो इस तरह से 1/2 इंच कपड़ा रखना है और जो बाकी का साइड है वहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े को कट करना है, क्योंकि बाकी का साइड पर हमारा सिलाई लगाकर बिल्कुल बंद है, किसी भी साइड खुला हुआ नहीं है। तो इस तरह से कटिंग कर लिया है मैंने यहाँ पर। अब थोड़ा थोड़ा जगह पर आप चाहे तो कट लगा सकते हैं इस तरह से। अब इसके बाद हम कॉलर को फोल्ड कर लेंगे, यानी कि सीधी वाली साइड बाहर की तरफ निकालेंगे। तो इस तरह से फोल्ड कर लेंगे अच्छे से और ऊपर से ज़रूर आयरन से प्रेस लगा लीजिए। यहाँ पर जो 2 कॉर्नर मिलेगी वहाँ पर किसी भी नोक वाली चीज़ से इसे इस तरह से निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पेंसिल का यूज़ किया है, पेंसिल से बहुत ही अच्छी तरीके से कॉर्नर को निकाल सकते हैं। तो मैंने इस तरह से कॉलर तैयार कर लिया है और आयरन से प्रेस लगा लिया है। देन जो ब्लाउज़ का पार्ट है उसे इस तरह से पकड़कर इस तरह से रखना है, और जो बैक पार्ट है वहाँ पर सेंटर पे एक छोटा सा कट लगाना है। इस तरह से मैंने कट लगा लिया है। सेम उसी तरीके से जो कॉलर हमने बनाया है उसका भी सेंटर पर हमें कट लगाना है। तो इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे।
ये देखिए जो नीचे की साइड है जहाँ पर मैंने आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है वहाँ पर हम कट लगाएंगे इस तरह से। तो दोनों पार्ट की सेंटर मिलाते हुए कॉलर अटैच करना है, लेकिन उस टाइम पर ध्यान रखना है कि नीचे का जो ब्लाउज है उसे बिल्कुल उल्टा करके रखना है जैसे कि मैंने यहाँ पर रखा है, और ऊपर की साइड कॉलर रहेगा। तो यहाँ पर इस तरह से पहले सेंटर से सेंटर मिलाई है और एक मैंने पिन लगा लिया है। तो ऐसे ही मैंने सारी जगह पर पहले पिन लगाकर कॉलर को ब्लाउज के साथ अटैच कर लूँगी, देन उसके बाद ऊपर से सिलाई लगाऊंगी। तो इसमें बहुत ही इजी हो जाएगी कॉलर लगाने के टाइम पर। तो इस तरह से पहले पिन लगा लूँगी। तो पहले सेंटर से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है और उसके साथ एक साइड पर सिलाई लगाना है, फिर दूसरे साइड पर सिलाई लगाना है। जैसे हम कोई भी स्लीव्स लगाते हैं ब्लाउज या कुर्ती के साथ, सेम उसी तरीके से कॉलर भी लगाना है। तो देखिए इस तरह से एक एक हम पिन को खोलेंगे और कॉलर जो है लगाते जाएंगे। तो इस तरह से लगाएंगे, ये देखिए। तो एक साइड मैंने सिलाई लगा लिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब जो दूसरी साइड है वहाँ पर सिलाई लगाने के लिए फिर से हमें सेंटर पर सुई को ले जाना है और फिर से हमें वहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। तो देखिए इस तरह से अगर आप कॉलर को ब्लाउज के साथ अटैच करते हैं तो बहुत ही ईजी हो जाता है और उसमें आपका फिनिशिंग भी बहुत अच्छा आता है। तो इस तरीके से दूसरे साइड पर भी सिलाई मैंने लगा लिया है। तो अब ब्लाउज़ को सीधा करके रखना है इस तरह से, और अब जो सिलाई का मार्जिन दिख रहा है उस मार्जिन को हम कॉलर के अंदर फोल्ड कर देंगे। इस तरह से फोल्ड करना है अच्छे से, और फिर ऊपर से बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाना है। देखिए इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाना है। ये देखिए बाहर से सिलाई का मार्जिन दिखना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, उसमें फिनिशिंग अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरह से जो है मार्जिन को अंदर की तरफ फोल्ड करना है इस तरह से। इसी टाइम पर अगर आप चाहें तो शोल्डर जॉइंट वाली जो लाइन है वहाँ पर आप कट लगा सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। तो कट लगाने से यहाँ पर सिलाई आप बहुत ही अच्छे से लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो है सिलाई लगा लेंगे, ये देखिए। तो यहाँ पर कॉलर मैंने लगाकर कंप्लीट कर लिया है फिनिशिंग के साथ भी। तो इस तरह से कॉलर लगाने में बाहर और अंदर दोनों साइड पर फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आ जाती है, ये देखिए। अब हम ब्लाउज को ऐसे फोल्ड करके रखेंगे और ऊपर जो कॉलर हमने लगाया है उसे बिल्कुल सेंटर से फोल्ड कर देंगे, ये देखिए। तो फोल्ड करने के बाद देखिए कोट कॉलर बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो अब हम हुक और आई में से सिर्फ आई वाली पट्टी लगाएंगे। तो उसके लिए नीचे की साइड से देखिए ऊपर की तरफ 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे यहाँ पर इस तरह से। देन एक पट्टी लेना है जिसका चौड़ाई है 6 इंच और लंबाई है 8.5 इंच। इस पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे रॉन्ग साइड की तरफ। फोल्ड करने के बाद किसी भी दोनों साइड पर सिलाई लगाना है इस तरह से। देन इसे सीधा कर लेना है, इस पट्टी को बाहर की तरफ सीधी वाली साइड को निकाल लेना है इस तरह से। किसी भी नोक वाली चीज़ से आप इसकी कॉर्नर को निकाल लें। इस तरह से मैंने पट्टी तैयार कर लिया है। अब इस पट्टी के ऊपर हम इस पार्ट को इस तरह से रखेंगे। देखिए जो मार्किंग मैंने किया है 6.5 इंच ऊपर, वहाँ तक ऊपर हम पट्टी को रखेंगे और ऊपर से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से मैंने सिलाई हो जो है लगा लिया है, और नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेना है इस तरह से। बस हम आई यहाँ पर तैयार करेंगे, दूसरे साइड हुक तैयार करेंगे और दोनों को इस तरह से मिला लेंगे। देन नीचे की साइड पर कमर पट्टी लगा लेना है और ऊपर दोनों साइड पर स्लीव्स लगा लेना है। नॉर्मल ब्लाउज के तरह ही कॉलर ब्लाउज में भी स्लीव्स लगाने का तरीका बिल्कुल ही सेम रहता है, कोई भी अलग तरीका नहीं होता है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने ब्लाउज बिल्कुल तैयार कर लिया है। यहाँ से ये ओपन रहेगा ब्लाउज को पहनने के लिए, ये देखिए। तो इस ब्लाउज को पहनने के बाद इसका फिटिंग्स और इसका लुक कैसा आता है वो मैं इंस्टाग्राम पर शेयर करूंगी। तो अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी जाइए और वहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिए। बहुत ही जल्द मैं इसका लुक वहाँ पर शेयर करूंगी। आई होप कि आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरी वीडियो बिल्कुल पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करके रखिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।